सपा सेंटर में छापेमारी के दौरान पकड़े गए भाजपा नेताओं को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजेश गौतम और भाजपा युवा मोर्चा अनूप मंडल महामंत्री आकाश तिवारी को पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश कार्यालय मंत्री विवेक शर्मा ने ये कार्रवाई अनुशासनहीनता और गरिमा के प्रतिकूल आचरण के कारण पार्टी की छवि धूमिल होने पर की है। दरअसल 16 मई को शहडोल के सपा सेंटरों पर पुलिस ने छापा मारा था, जहां एक दर्जन से ज्यादा युवक युवतियों के साथ बीजेपी नेता आकाश तिवारी पिता विष्णु तिवारी निवासी पुरानी बस्ती अनूपपुर और राजेश गौतम निवासी बस्ती रोड अनूपपुर को भी पकड़ा था। इस मामले में शहडोल पुलिस ने भी सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 370 भादवी 3456 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा के तहत मामला दर्ज कर माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। वर्तमान में दोनों नेता जेल में हैं। दोनों आरोपियों के फोटो बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ जमकर वायरल भी हो चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। दोनों की वजह से पार्टी की साख पर बट्टा लगा है। दोनों नेताओं के पकड़े जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चा जमकर हो रही है। कांग्रेस अनूपपुर समेत आसपास के जिलों में पार्टी के चाल चरित और चेहरे के नारे को युवा मोर्चा के अयश नेताओं के साथ जोड़कर जनता तक पहुंचा रही है। वहीं बीजेपी ने बड़े नेताओं के दौरे से पहले ही दोनों राजेश गौतम और आकाश तिवारी को पार्टी से बाहर कर दिया है।